अगर आपको अपनी स्किन डार्क लग रही है या फिर आपको डलनेस की प्रॉब्लम हो गई है या फिर आपके स्किन में ग्लो खत्म हो गया है और आप इंस्टेंट ग्लो चाहते हो या फिर अपने स्किन को फेयर बनाना चाहते हो तो इस इंग्रेडिएंट को ज़रूर से ज़रूर अप्लाई कीजिएगा और इंस्टेंट रिजल्ट आपको देखने को मिलेगी। पहले बार के यूज़ से ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगी और साथ ही साथ जैसे जैसे आप इसको यूज़ करते रहेंगे आपकी स्किन जो है वो फेयरर होती जाएगी। सो मैंने इसको यूज़ किया था और आप देख सकते हैं कि यूज़ करने के बाद एक ही यूज़ में कितना अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। सो इसको बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा तामझाम की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल सी इंग्रेडिएंट जो आपको घर में अवेलेबल हमेशा मिलती ही मिलती है वही सारे इंग्रेडिएंट से बनाया हुआ है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो इस तरह की आपको अच्छी अच्छी वीडियो ज़रूर देखने को मिलेगी और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आप अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो इस DIY को बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट जो है वो है कॉफी पाउडर। तो सबसे पहले आपको कॉफ़ी पाउडर ले लेना है, 2 टेबल स्पून आप ले सकते हो। अगर आप अपने बॉडी में भी यूज़ कर रहे हो या फेस के लिए हैंड के लिए यूज़ कर रहे हो तो उस हिसाब से आपको क्वांटिटी जो है वो कम ज़्यादा आप रख सकते हो। तो कॉफ़ी पाउडर जो है वो आपके स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और उसके बाद यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं शुगर यानी चीनी। सो चीनी मैंने यहाँ पे ऐसे ही ले लिया था, आप चाहे तो इसको पीस के भी आप ले सकते हो। ये छोटे छोटे जो टुकड़े हो जाते हैं तो उससे आपका जो स्क्रब है वो बहुत अच्छे से रेडी हो जाएगा और आप यूज़ भी अच्छे से कर पाएंगे। देन यहाँ पे मैंने आमंड ऑयल लिया है, आप चाहे तो कोकोनट ऑयल भी ले सकते हो, इससे हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा नरिश हो जाएगी। तो ऑयल को लेने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है गुलाब जल, यस गुलाब जल भी लेंगे ताकि ये हमारे स्किन को हाइड्रेट रखे और ग्लोइंग स्किन भी हमें दे। सो यहाँ पे गुलाब जल मैंने 2 टेबल स्पून ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1/2 नींबू, यस नींबू भी है वो हमारे स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ही कारगर है। सो नींबू को ले लेंगे और उसके बाद इन सारे ही इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिला देना है। बहुत ज़्यादा ही ये सिंपल सा DIY है, आप इसको कभी भी बना के यूज़ कर सकते हो। वीक में एटलीस्ट आप 2-3 टाइम अगर आप इसको अप्लाई करते हो तो आपको रिजल्ट जो है वो बहुत ही जल्द देखने को मिलेगी। पहले ही यूज़ से आपको अच्छी रिजल्ट देखने को मिल जाएगी, ये मेरा दावा है। सो इसको आप अच्छे से अप्लाई कर लीजिए पूरी बॉडी में या फिर आप फेस पे लगाना चाहे या सिर्फ हैंड के लिए, जहाँ पे भी आपको डार्कनेस लग रही है आप उस एरिया पे इसको अप्लाई कीजिए। गोल गोल हाथों से जैसे आप स्क्रब लगाते हो सेम ये स्क्रब की तरह ही काम करेगा। सो इसको कुछ इस तरह से आपको अपने हाथों पे चेहरे पे जहाँ पे भी आपको डार्कनेस है वहाँ पे आप इसको अच्छे से लगाइए। 5 मिनट तक आप अच्छे से मसाज कीजिए और उसके बाद नॉर्मल पानी से इसको धो दीजिए। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इतनी सिंपल सी तरीके को अप्लाई करने के बाद आपको अच्छी खासी ग्लोइंग स्किन मिल जाएगी। सो आपको महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस सस्ते से DIY से ही आप अपना ग्लोइंग स्किन वापस ले सकते हैं और आपको फेयरर स्किन मिलती जाएगी जैसे जैसे आप इसको यूज़ करते जाएंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर से ज़रूर प्रेस कीजिएगा और इसी तरह से अच्छी अच्छी इस वीडियो को देखते रहिए और इन्जॉय करिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपके लिए ये बेनिफिशियल था या नहीं। सो बाय बाय।